इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हिजम राजेन जी डेमोक्रेसी न्यूज से। राजेंद्र जी आपका स्वागत है डेमोक्रेसी न्यूज में। धन्यवाद धन्यवाद। राजेंद्र जी, भारत के इतिहास में यानी कि भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन आज देखा गया, पूरे देश भर ने उसको देखा, तमाम मीडिया के चैनलों पे और तमाम सोशल मीडिया पे, कि वायुसेना एनडीआरएफ और रेलवे का डिपार्टमेंट एक रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है, यानी कि लोगों ने यानी कि जहाज को बीच में फंसते हुए देखा, आज तक नाव को फंसते हुए देखा, लेकिन ये पहला मौका था देश में एक रेलगाड़ी को जिसमें कि मुसाफिर यात्री थे अपने बच्चों के साथ, बुजुर्ग थे और कई औरतें भी उसमें, और उनका कीमती सामान भी था कुछ लोगों का। तो यात्री ट्रेन अगर बीच में ऐसे फंसती है, यानी कि वो ट्रेन नहीं पानी का जाल नाव लग रही थी, तो क्या ये सिग्नल फॉल्ट हम इसको माने, या फिर एक डिजिटल इंडिया जो जिस तरफ हमारा इंडिया आगे बढ़ रहा है, ये डिजिटल इंडिया की एक सही तस्वीर हम इसको मान सकते हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, भारत ऐसे एक देश है सबसे ज्यादा विश्वकर्मा जो क्या बोलते हैं जो इंजीनियरिंग के जो गॉड बताया जाता है विश्वकर्मा की पूजा होते हैं, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी जो है जापान और चाइना में पैदा होता है। 2014 से पहले मिशन हमारा जो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधान बाबू जो चौकीदार से अभी और क्या नाम पर आ गए मुझे उस शब्द को तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया था कि स्नेक चर्मर से हम माउस चर्मर की तरफ आ गए, आपको याद होगा ये बात, स्नेक चर्मर से माउस चर्मर की तरफ आ गए हैं। डिजिटल इंडिया, आप डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद जो है उसने डिजिटल इंडिया की तरफ कदम बढ़ाया है, बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं उसका, लेकिन कितने लोगों की पेट पे उसने लात मारी है और कितने लोगों को अभी मारने वाला, अभी रेलवे को इस साजिश, अब रेलवे को इस तरीके से आज गोदी मीडिया और मोदी मीडिया, फिर आप रिपीट कर रहा हूँ ठीक से सुन लीजिएगा, गोदी मीडिया और मोदी मीडिया मिल करके रेलवे को बदनाम करने की साजिश की, क्या आज से पहले क्या कोई रेल के सामने, रेल को पानी के सामने नहीं करना पड़ा अपने कभी, क्या असम में जो भयंकर बाढ़ आ रखी है जो कई सैकड़ों लोग मर गए हैं, अपनी जान गंवा दी पानी के वजह से, जो कभी गोदी मीडिया ने दिखाया है, ये कभी आपकी जो मोदी मीडिया ने कभी देखा है, कभी नहीं। मैंने फेसबुक पे कई लोगों से मैंने अपील किया था, मिस्टर अमिताभ बच्चन, मिस्टर सचिन तेंदुलकर, मिस्टर सॉरी हमारे जो असम के जो एम्बेसडर कहलाती है अपने आपको, जो बीजेपी का पुत्री सुपुत्री क्या नाम है, आजकल अमेरिका में जो सिगरेट पीते हुए जो है सोशल मीडिया में जो ट्रेंड चल रही है, तो आप एक साजिश के तहत रेलवे को बदनाम करने के एक तरीका उन्होंने अपनाया है। ट्रिपल तलाक और जो एनआईए जैसे जो मुद्दे को इन्होंने ला करके एक देश को किस तरफ ले जाना चाहता है, ये मुझे हमारा समझ के परे है। अब ये देखिए, अब ट्रेन क्या आज तक क्या पानी क्या बारिश में बरसात में क्या कभी ट्रेन नहीं चले हैं? बिल्कुल चले हैं, लेकिन ये जानबूझकर के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तरफ जो है एक दूसरे को सिग्नल पास ऑन नहीं किया, अगर कोई कर्मचारी उसमें गुनाह पाया गया उनको तुरंत सस्पेंड कीजिए, प्राइवेटाइजेशन की तरफ कदम उठाने का एक अपने रेलवे की तरफ से ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं दे दिए गए हैं अधिकारियों के द्वारा, और एक्शन होने की बात कही गई है। कहीं ना कहीं जो मेरा एक सवाल था, एक छोटा सा सवाल, कि अगर इंडिया डिजिटल बन रहा है और कहीं ना कहीं काफी हद तक इंडिया को डिजिटल बनाया भी जा चुका है, तो क्या ऐसी चूक एक डिजिटल इंडिया में होती है? आपने BSNL आपने आप आज आप अभी तुरंत अभी जाइए जंतर मंतर की तरफ, BSNL के अधिकारी, BSNL के लोग, BSNL के कॉन्ट्रेक्टर रो रहे हैं, पिछले एक साल से BSNL के कॉन्ट्रेक्टर को पैसे नहीं मिले, BSNL को बंद करवा करके जियो चैनल को शुरू करवाने की उनकी मुहिम है, ये जो आप डिजिटलाइज। राजेंद्र जी हमें आज के मुद्दे पे थोड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं आज के मुद्दे की बात कह रहा हूँ, आप जनता आप मैं बात करनी चाहिए, लेकिन इस समय मैं बात कर रहा हूँ क्या इस देश में बुलेट ट्रेन के जो सरकार ने सपने लोगों को दिखाए हैं,
जिस तरीके से मैनिफेस्टो में बातें हुई हैं कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे इस देश में, तो क्या इस देश जो देश अभी अपनी रेल को सही दिशा में नहीं ले जा पा रहा वो बुलेट ट्रेन चलाने की देश बात करता है, क्या आपको लगता है सपना सच हो सकता है इस देश में? देखिए बहुत सा है लेकिन यकीनन क्या इतनी जल्दी हो सकता है? यकीनन आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने ठीक नहीं किया बुलेट ट्रेन लाने के बाद कह रहे आप। बुलेट ट्रेन अब ये बताइए अहमदाबाद से लेकर के मुंबई तक की उन्होंने बुलेट ट्रेन चलाया, बुलेट ट्रेन बहुत अच्छी बात है, हम देश की गर्व होंगे, हम हमारा सीना चौड़े होंगे, अगर हम अमेरिका यूरोप जापान में जाएंगे तो हमारे हिंदुस्तान में भी बुलेट ट्रेन चलता हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा। लेकिन अब उसके नीचे की जो गंदगी जो है आपने साफ नहीं किया, आपने गंदगी और ज्यादा फैला दी, आप उसके उसी के बीच में आप बुलेट ट्रेन चलाओगे, अब हर चीज को जो प्राइवेटाइजेशन करके किसी के प्राइवेट क्या ओला कंपनी में या तो क्या बोलते हैं उबर कंपनी में आप क्या बेचने जा रहे हो? अब लाल किला तो ऑलरेडी बेच चुके हैं आपने एक दिन के लिए, फिर किराए पे लोगे दालमिया ग्रुप से, अब लाल किला में फिर जो झंडा फिराने जा रहे हो, हमारे जो प्रधानमंत्री को शर्म आना चाहिए कि अपनी खुद की सरकारी जो ऐतिहासिक धरोहर को किराए जो किराए पे चरा करके फिर आप एक दिन के किराए पर जा किराए के लिए आप लेकर के किराए पे लेकर के आप क्या झंडा फहराने जाओगे? बहुत शर्म की बात है। आज जो रेलवे के जो हालत हुआ है ये सरकार ने सरकार की साजिश मैं मानता हूँ इसको। राजेंद्र जी इसमें वायुसेना तक को आना पड़ा क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन इतना बड़ा था। आप मैं एक चीज बताता हूँ, मैं एक चीज कहीं ना कहीं क्योंकि बच्चे भी सवार थे और यात्री ट्रेन थी वो, कहीं ना कहीं इसमें जान और माल दोनों का नुकसान हो सकता था। दीपांश यादव जी समय रहते बचाया गया वो बहुत अच्छी बात है, और जिस तरीके से एनडीआरएफ की टीम ने और वायुसेना की टीम ने सेना के तमाम विभाग ने मिलकर जो काम करा है वो काफी सराहनीय है, लेकिन क्या हमारा देश सही दिशा में जा रहा है अगर हम इस एक्सीडेंट को अगर एक तरीके से देखें तो? दीपांश यादव सेना वायुसेना एनडीआरएफ हमेशा अपनी नेचुरल डिजास्टर यानी कि राष्ट्रीय आपदा जो जो नेचुरल डिजास्टर है उसी के लिए तैयार रहते हैं। क्या इस मुस्तैदी जो है बिहार की बाढ़ और असम की बाढ़ में दिखाया होता तो कितने अच्छा होता? आप मेरा बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। असम में आज भी असम में बाढ़ की वजह से जो है कई लोग बेघर हो गए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना अपनी मन मर्जी से उसको खोलना अपनी बंद करना यानी कि जो है दूसरी चीज उधर पहाड़ एरिया ज्यादा है ज्यादा बारिश होता है बाढ़ की वजह से जो है कई बाढ़ की वजह से जो है कई कई जो है कई लोगों के जान गए कई लोगों के जाल माल संपत्ति चले गए। राजेंद्र जी मैं आपको रुकना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न करूंगा, एक छोटा सा मेरा प्रश्न होगा, मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहता हूँ उसके ऊपर, क्या जो ये रेल भारतीय रेल के इतिहास में और क्या कह लें कि भारत के इतिहास खुद ही भारत के इतिहास में ये जो आज इंसिडेंट हुआ है जो घटना घटी है क्या ये एक विकासशील जो डेवलप इंडिया की तरफ ये जो कदम बढ़ रहे हैं हमारे देश की क्या ये सही होंगी, क्या ये तस्वीर अच्छी छाप छोड़ सकती है, या फिर ऐसे कुछ जो ये एक्सीडेंट्स होते हैं घटनाएं होती है सरकार को इस पर कब तक अपना कड़ा रुख दिखाना चाहिए, इस पर आप छोटी सी टिप्पणी दीजिए मेरे को आखिरी। मैं सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो कर्मचारी दोषी है उनको तुरंत बर्खास्त करें और जी और हमारा जो शुभकामनाएं देना चाहेंगे हमारे वायुसेना की जो जाबाज जो अधिकारी है एनडीआरएफ की जो अधिकारी है मैं उनको जो है मुबारकबाद देना चाहूंगा, उन्होंने मुस्तैदी से इतनी मतलब लोगों की जाल माल लोगों को बचा लिया गया है, पर सवालिया निशान सरकार के ऊपर है, सरकार की जो कामकाज जो है इसमें सवालिया निशान। अब बुलेट ट्रेन की जो बात बिल्कुल जी रेलवे के सिस्टम को कटघरे में खड़ा करता है कि किस तरीके से आपका हमारे देश का रेलवे चल रहा है, मैं इसको साजिश के नजरिया से देखता हूँ, मैं इसको साजिश के नजरिया से देखिए भारत में है और ये भारत डिजिटल भारत है, ये भारत विकास होता हुआ भारत है, यहाँ पे विकास की बात होती है, यहाँ पे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, यहाँ पर जीडीपी की बात होती है, यहाँ पर नहीं आपने जीडीपी की बात कहते हो बिल्कुल यहाँ पर जीडीपी गलत है, आप जीडीपी को यहाँ पर लेकर के मत आइए क्योंकि जीडीपी के आंकड़ा जो दिखाया गया वो गलत आंकड़ा है, हम इसको बिल्कुल नहीं मानते जीडीपी को। मेरा कहने का मतलब था ये जो देश है वो
विकास की तरफ आगे बढ़ता हुआ देश है। शायद से ऐसी चीजें इस देश में शोभा नहीं देती और सिस्टम्स को जागना पड़ेगा, चाहे वो सरकारी सिस्टम हो या प्राइवेट सिस्टम हो, सरकार को इसमें जल्द से जल्द तक एक्शन लेने की जरूरत है। हमारी यही कामना है कि आगे से ऐसा कोई भी एक्सीडेंट ना हो, ऐसी कोई भी घटना ना हो जिससे देश को और देश की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचे या फिर देश की छवि को कहीं ना कहीं कोई उस पे एक संदेह खड़ा हो। तो राजेंद्र जी, आपका आप हमारे से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आपसे कुछ और आगे चर्चा करेंगे दूसरे विषयों पे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद राजेंद्र। धन्यवाद, शुक्रिया।